नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जानी मानी नृत्यांगना व एक प्रतिष्ठित समाज सेविका जिनका नाम है मीरा मंडोला जी। इन्होंने काफ़ी अपने इस फील्ड के अंदर नाम कमाया है, साथ ही ये समाज सेविका भी हैं। तो मीरा जी, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शांति की खास मुलाकात। धन्यवाद, हम आपको शुभकामना देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपने इस कैरियर की शुरुआत जो आपका नृत्य का है कहाँ से की और कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे? एक्चुअली जो मैंने वैसे जब पहली बार स्टार्ट किया था अपना राइट जगह पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, तो मुझे 2-3 साल लगे, बहुत धक्के खाए मैंने। तो फाइनली पंडित बिरजू महाराज जी जिनका इंस्टीट्यूट है मयूर विहार फेस 1 में कलाश्रम के नाम से, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मुझे मेरे गुरुजी मिले जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, पंडित श्री राघव शाह, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और तब से लेके मैं गुरु शिष्य परंपरा में उन्हीं के ही संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और तब से कथक की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और मैं एक कथक टीचर भी हूँ। ये कितने साल पुरानी बात रही होगी? ये 2010। जैसा कि आप जानते हो कथक जो है भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जी, आप समझते हैं, तो उनको यूनिक कहा जाता है जो लोग इस फील्ड में होते हैं जी। और आम लोगों की पहुंच से दूर है। दो बात जानना चाहेंगे हम, आप तो ये पहले तो ये बताइए कौन से परिवार कहा जाता है, शायद जैसे कि लखनऊ घराना है, बहुत सारे घराने, एक तो कौन से परिवार से हैं और आपको कैसा महसूस होता है आज आप इस एक जो भारतीय संस्कृति की किसी कला से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी मिले जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। और जो मैं कथक के एक्चुअली 4 घराना है, तो उसमें लखनऊ घराना, जयपुर, रायगढ़ घराना, बनारस घराना, और मैं लखनऊ घराना में हूँ जिसके महाराज जी पंडित बिरजू महाराज जी हैं, तो इस घराने से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक बात देखी है कि जो कथक कला से जुड़े हुए लोग होते हैं काफ़ी शालीन होते हैं, उनका एक व्यवहार जो होता है आम लोगों से कुछ हटके होता है, उनकी शायद जीवन शैली भी कुछ अलग होती है, तो उसके पीछे क्या कारण है आप लोग आम समाज से अलग होते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ है कि आपको एक लोगों से यूनिक बनाती है, अलग बनाती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक्चुअली जो भी कला से जुड़ा हुआ है, सिर्फ चाहे वो डांस हो या म्यूज़िक हो, क्लासिकल या फिर कुछ भी हो, थिएटर हो, जो भी सच में दिल से कला से जुड़ा हुआ है उनका एक उनके अंदर एक अलग सा जुनून होता है। और सबसे अच्छी बात, जुनून के साथ साथ सही गुरु मिलना, एक सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु, वो बहुत बड़ी बात है। इस जैसे नॉर्मली हम किसी और डांस में कभी भी किसी डांस से फॉर्म से कंपेयर नहीं करती कभी भी, मुझे सभी तरह के म्यूज़िक पसंद है, सभी तरह के डांस पसंद है, बट क्लासिकल में क्या है ना, इसमें हमारी सांस्कृतिक है, इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है बड़ों के साथ, छोटों के साथ, हमारे मतलब हर चीज़ में, हाव भाव में, मतलब कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या एक छोटी सी हल्का सा नज़ाकत भी देखना है, कुछ भी ज़रा सी अदा देखा गया आप लोगों में, देखा गया। हाँ बिल्कुल, तो वो हमारे अंदर ना एक हमारी लाइफ जो लाइफ के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती रहती है। और वो जो है सीखते सीखते, मतलब ये ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि कब तक करोगी, 1 साल हो गया, अभी भी एग्ज़ाम दे रही हो, अभी भी एग्ज़ाम दे रही हो, 2 साल 3 साल, तो मेरा उन सभी लोगों को बताना ये है कि ये जो कला है ना या कोई भी फील्ड है, आप इसको करके अगर छोड़ दोगे तो आप वापस ज़ीरो हो जाओगे। आपको करते रहना लगातार, जैसे कि आप अपना ये काम कर रहे हैं, इसमें हर जगह क्लास होता है जी, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ये कहाँ से शुरू होता है और कब कब इनको कहाँ कहाँ, जैसे आचार्य की या मास्टर की उपाधि दी जाती है, डिग्रियाँ होती है, वो किस प्रकार होती है, कहाँ से आप अच्छा एक कथक का मतलब हुनर ले सकते हैं? डिप्लोमा, प्रवेशिका, जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिफ्थ सिक्स्थ ईयर, तो सेवन्थ ईयर, ऐसे ऐसे होता रहता है इसमें, प्रयाग जिसका प्रभाकर हो जाता है। तो मगर मैं इन सब से परे अलग बात बोलना चाहती हूँ, जो मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, डिग्री मैटर करती है डेफिनेटली, मगर ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपका ज़्यादा मैटर करता है। सीधी सी बात है, आप अपने शिक्षा पे ध्यान दीजिए जी, ना कि डिग्री पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, आपको लोग अपने आप
पसंद करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं जी? ये बहुत अच्छी, क्योंकि अगर किसी ने, मैं सपोज कि अगर मैंने 6 साल की या 8 साल की डिग्री ले ली, अब मैं सोच लिया कि ठीक है मैं तो गुरु बन गई हूँ, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कराती हूँ, पर जिस दिन मुझे कराना पड़ेगा या खड़ा होना पड़ेगा तो मैं ज़ीरो हो जाऊँगी। हमारी लगातार प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी ना, और वो सीखने की इच्छा कभी ना ख़त्म होने वाली, वो हमें हमेशा अपलिफ्ट करती है, हमेशा वो अच्छा, खत्म नहीं पाया होती गया है कि जो कथक या ऐसे डांस से जुड़े हुए लोग होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, क्या उसमें एक यूनिक कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और क्या फ़र्क है आपको वेस्टर्न में और इंडियन में? कहीं ना कहीं मैंने देखा है ये खूबसूरती होती है उन लोगों के अंदर। मैं फिर दोबारा से अपने गुरुजी के, जो उन्होंने इतना कुछ सिखाया है ना, तो मैं उन्हीं की मुझे बात याद आई है कि ये ना इस सुंदरता से कुछ नहीं होता, आपका जो मन सुंदर है ना वो झलकता है, चाहे फिर वो सांवला हो चाहे वो गोरा हो, आपका जो मन है, जिस भाव से आप नृत्य कर रहे हो या गाना गायकी जो कर रहे हो, वो निकल कर बाहर आएगा। आप कितने भी सुंदर, आपको कुछ नहीं आता और हाँ टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं या कुछ भी ऐसे चल रहा है तो वो ज़ीरो है। तो इसमें सुंदरता ना आपका भाव है, आपकी आपकी अदा है, आपके लक्ष्य की कि आप कैसे कर रहे हो या किसी चीज़ को। मेरे गुरुजी बोलते हैं 100 चीज़ें 100 मत सीखो, सिर्फ 10 सीखो, अगर 10 है तो 2 सीखो मगर पक्का सीखो, पूरा सीखो, आधा 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 नहीं। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के शख्सियत के पीछे उसका परिवार होता है, या कहीं कभी कभार परिवार बहुत विरोध करता है खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों में, तो आप अपने परिवार को कहाँ मानते हैं जब आपने मतलब छोटे रहे होंगे तो, कैसे आपका परिवार का सहयोग रहा और कौन कौन है थोड़ा सा? आपने ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा है, बट हाँ मुझे परेशानियाँ तो बहुत हुई थी और सपोर्ट मिला, आज जो हूँ तो अपने परिवार की वजह से हूँ, मगर झूठ भी नहीं बोलूँगी, परेशानी उतार चढ़ाव बहुत आए थे, बहुत मशक्कत करनी पड़ी अपने, अगर आप सही, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, अगर आप कुछ सही कर रहे हो और आपको पता है तो उसके लिए कभी कभार थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। मैंने 2 से 3 साल सिर्फ ऑफिस के बाद, जो मेरा नृत्य से पहले जो मेरा ऑफिस था, सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी होती थी, उसमें मैं अपनी डांस क्लासेस लेती थी, लोग घूमने जाते थे या घर पे आराम करते थे जितने भी होते थे, मैं अपने डांस क्लासेस फोकस करती थी। जब मेरे 1 से 2 साल कंटिन्यूसली मेरी फर्स्ट डिवीज़न आती गई और जब मैंने घर पे दिखाया, वो खुद ही इतने खुश हो गए, और जब उन्हें दिखा कि मेरा उठना बैठना इतने बड़े गुरुजनों के साथ है, इतने अच्छे लोगों के साथ है, ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो उसके बाद से फिर उन्होंने सपोर्ट किया। मगर हाँ ये है, हर बार कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि आज भी समाज में लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, ये तो क्लासिकल रहते हैं, सोचो मुझे इसमें भी फेस करना पड़ा कि लोग बोल जाते थे, या मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी दूसरों के लिए भी बोलते हैं, ऐसी बहुत सारे लड़के लड़कियां सभी होंगे जिनको फेस करना पड़ता है कि नाचने वाले, तो लोगों को पता नहीं है जैसे कि ये कला है और सबसे बड़ी बात है कि भारत की संस्कृति की धरोहर है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, और क्या हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने वाली ऐसी कला है जिसके अंदर रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है, और एक अलग स्पेशलाइजेशन भी है, उसमें कहीं ज़रूरत है आज हमारे समाज और सरकार को? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी इंडिविजुअल हूँ, बट अभी मैंने एक भारतीय संगम, ये जो आपको मैंने बता दी है कि ये भी एक संस्था जो कि पुअर पीपल्स, उन लोगों के लिए काम करती है, और साथ में चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जो मैं यहाँ पे जो करवा रही हूँ यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए, हम आगे जाके वर्कशॉप ओपन कर रहे हैं कि जिसमें उनमें मैं फ्री में होगा, यहाँ पे उन बच्चों को पूरी शिक्षा फ्री में दी जाएगी, और ये बिल्कुल 100% ट्रूथ है। उसके साथ साथ हम धीरे धीरे और भी कुछ प्रोसेस है, बट बिकॉज मैं किस तरीके से सहयोग दे सकती हूँ, तो मैं एक डांसर हूँ, कलाकार हूँ, तो मैं उसी के थ्रू कर सकती हूँ। साथ में मेरा अलग से इसके अलावा और भी प्रोफाइल रहा है, तो जैसे थिएटर आर्टिस्ट का है, ये सब कुछ है, तो उन बच्चों को मैं इस तरीके से दूंगी, ये मेरा सहयोग है। बाकी तो बहुत कुछ होना चाहिए जो कि लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि जो इन चीज़ों पे वर्क करे। सपोज़ जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, तो कभी उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या है, सिर्फ सेम उनको बोर हो जाते थे, तो उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी कि डांस करने से होता क्या है, क्वेश्चंस खुद टीचर को बनाने पड़ते कि आप फिज़िकली फिट रहते हो, हाँ रात को आपको क्या पी के सोना है, तो मैं बोलती थी 1 ग्लास दूध में हल्दी डाल के, तो ये चीज़ें खुद से क्वेश्चन करने पड़े, कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा, वेट नहीं करना है कि कोई आके बोले हम दूसरों की हेल्प करें। तो छोटे बच्चों को क्या सिखाना है, इससे बहुत सारे बेनिफिट हमें खुद सोचने पड़ेंगे। जैसे कहा जाता है कि गरीब बच्चे होते हैं, कहते हैं कि जो प्रतिभा होती है ना वो कहीं भी पाई जा सकती है, अगर आपको लगता है कि कोई गरीब बच्चा है उसमें प्रतिभा है,
तो उसके लिए आप लोग कुछ देखते हैं, कुछ उसके लिए स्पेशल कुछ? देखिए, मैंने आपको जैसे अपने गुरुजी के बारे में बताया, तो उनका खुद की संस्था है, वो उनके खुद ही उस संस्था के फाउंडर है, कला रत्नम, कला रत्नम गुरुकुल फॉर आर्ट एंड कल्चर। आप इसका यूट्यूब में या फेसबुक में कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे गुरुजी सभी गरीब बच्चों के लिए या फिर जो पैसे प्रॉपरली ढंग से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनकी हेल्प करते हैं उनको, और उनको जाके सेवा भी देते हैं, मतलब लाइक जैसे बिहार हो गया, अदर सिटीज और कंट्रीज में भी देते हैं। बहुत बड़ी बात बताते हैं, अक्सर हमारे माँ बाप कहते हैं कि भैया ये क्या नाच गाता करता रहेगा या खेलता रहेगा, कुछ कमाएगा भी? तो ये जो लोग प्यार करते हैं नृत्य से या इस फील्ड से, उनको कभी कभार असमंजस में आ जाते हैं कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँ, क्या इसमें कहीं आप देखते हैं भविष्य भी है कुछ, मतलब रोजगार के स्तर पर? बिल्कुल भविष्य है, क्योंकि ये सारे जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मेरे साथ भी हुए थे, मगर मैंने भुक्तभोगी। हाँ बिल्कुल, मगर बात ये है कि हम क्या करें, मतलब क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं ना, इंडिया हिंदुस्तान, तो हमें यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, संस्कार ऐसे मिले हुए हैं कि हम किसी से फाइट करके या लड़ झगड़ के अगर मैं अपनी इच्छा या अपना उद्देश्य या जो भी अपना सपना पूरा करूं और उसमें बड़ों को या किसी भी अपने को दुखी दूं, दुख कर दूं, तो वो मुझे नहीं होगा। तो मैंने ये चीज़ सोचा, नहीं अगर मैं अपना सपना भी पूरा ना करूं तो आगे जाके फिर उन्हीं पे ब्लेम आए, तो सबसे बेटर ये है दोनों चीज़ को करो। तो मैंने ये लक्ष्य साधा, अपने आप को इतना ट्रेन करूँ मैं इस चीज़ में कि इसी पे मुझे जॉब भी मिले, मैं इसमें वर्कशॉप फ्रीलांसर वर्क भी करूँ, तो आज जो कि मैं कर भी रही हूँ। तो मैं इसी में, मैं आज भी कलारत्नम गुरुकुल से जुड़ी हुई हूँ अपने गुरुजी के साथ, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। गुरु शिष्य परंपरा है, जब तक आखिरी सांस है कंटिन्यू, जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक ये शिक्षा जारी है और सिखाना भी जारी है, और इसी के माध्यम से सिखाना भी जारी है और सीखना भी जारी है, और इसी के माध्यम से मुझे पैसा भी मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बोल दूँ कि आप शायद, एक तो आपका सरगम है, एक संस्था भी है, तो कौन सपोर्ट करता है आपको? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते होंगे, आपको लगता है कि ये लोग हमारे साथ हैं? मेरे साथ तो देखिए, मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली, मेरे इन लॉज, उनका आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी हैं मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है, बाकी वही मुझे, वही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसा तो अभी सच ऑफ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी, कहा जाता है कि आप एक समाज सेवी कर रही हैं और साथ पशु पक्षियों से कुछ लगता है, आपका प्रेम भी कुछ अलग ही झलकता है, तो ये आपने कहाँ से, आपने लगा कि आपको, कि भाई आपको इस दिशा में भी काम करना चाहिए? एक्चुअली मुझे मतलब मुझे बचपन से ही ना एनिमल से, स्पेशली डॉग कैट, इनसे शुरू से ही लगाव रहा है, पता नहीं क्यों, इंसानों से कहीं ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं इंसानों के, उनके लिए भी समाज सेवा के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, बट उस लायक बनने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के भी आप समाज सेवा नहीं कर सकते आज के समय में, आप जानते हो। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, तो हर रोज़ मैं रोड पे कभी किसी को, किसी एनिमल को मरता हुआ देख रही हूँ, फिर रोना आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, तो मैं कुछ टाइम तक अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस समझने लग गई कि ये रोके क्या करोगे आप, रोके और उसके लिए प्रे कर दिया उससे तो काफ़ी नहीं है ना। तो आपको इतना सक्षम बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी रखना पड़ेगा और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में अगर इसको ये हुआ है तो कैसे ठीक किया जाए। मैडम, दो बड़ी समस्याएं, नंबर एक, बताया जाता है कि गर्मियों के अंदर दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है, इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग, पक्षियों को ना पानी तक नहीं मिलता। कुछ कैंपेन चलाए गए आप जैसे लोगों ने कि लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरा, 15 अगस्त पे वो चाइनीज कुछ मांझे होते हैं, इससे कि पक्षियों की गर्दन कट जाती है, तो इस बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को कितना भी समझा दिया जाए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसे उन्होंने स्पेशली बोला था कि दिवाली में नहीं, मतलब दिल्ली में नहीं होने चाहिए, इनफैक्ट कहीं भी नहीं होने चाहिए थे, बट कंटिन्यूसली मैं आपको बोल रही हूँ, धनतेरस से लेकर कंटिन्यू दिवाली के नेक्स्ट डे तक सिर्फ बम पटाखे फूटते रहे, हम नॉर्मल पीपल होके भी हमारे कान दर्द हो गए, हेडेक होने लग गया। सोचिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एनिमल्स को या फिर जो बूढ़े लोग हैं, जो कि ऑलरेडी बीमार हैं या कोविड पेशेंट हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। तो ये लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, जब उन पर खुद को बीतती है तब वो लड़ने जाते हैं। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि वो खुद ये चीज़ों को समझें, क्योंकि सब जानते हैं। तो अगर 15 अगस्त में आप पतंग उड़ा रहे हो, मांझे से आप तो पशु, मतलब पशु पक्षियों, इनकी बातें छोड़ दो, इंसान तक मरे बाइक से चला रहे, तो यहाँ पे मांझा है और वो एकदम इतनी स्पीड से जा रहा है, बस क्या है, गया नस कर दी उसका, एक बार मैं भी सिखा रहा हूँ, बताइए। तो अब ऐसे, और जो रही पक्षियों की बात, पशु की, तो मैं ये मानती हूँ, मेरे हमारे घर पे भी है, तो हर रोज़
मेरे फैमिली मेंबर और मेरे मतलब इन लॉज और मेरे फैमिली में मायके में दोनों में सारे के सारे एनिमल लवर हैं, तो सुबह शाम एनिमल्स को मतलब डॉग्स को देते हैं। बट मेरे फैमिली का तो ऐसा हो गया, और मेरा ये है कि सारे एनिमल्स मतलब चाहे वो मेरा हो, खुद का पेट हो या ना हो, या वो अब तो धीरे अब आज के समय पे मेरे अंदर ये चीज़ आ चुकी है, अब वो कोई भी एनिमल हो, अब वो कोई भी एनिमल हो, मुझे उससे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। और मेरा मुझे ये है कि मैं अब रोज़ स्टडी करती हूँ कि मैं कैसे कैसे उनके बिहेवियर्स जानूँ, या कैसे कैसे उनसे बात करनी है, या किस तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं कैसे समझूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे डॉक्टर तो मैं हो ही गई हूँ इसी चीज़ में। और तो सभी लोगों को मेरी यही अपील है कि सभी लोगों से कि अपने घर पे एक जो मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें हमेशा पानी भर के रखिए, कि जब भी कोई स्पेशली पक्षी या पशु जो भी हो वो उसमें से पानी पी ले, कम से कम प्यासा मतलब ये भी एक करने से मतलब बिल्कुल हम इंसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कम एक छोटे से पक्षी को तो पानी तो मिल बिल्कुल हमने उन लोगों के साथ बुरा किया ना, इसीलिए नेचर्स ने हमारे साथ ये किया जी। तभी हुआ है। तो मैंने ऐसे ऐसे न्यूज़ सुने, आप भुवनेश्वर वाले न्यूज़ सुनेंगे कि एक प्रेग्नेंट डॉगी जो फीमेल थी उसको एक लेडी ने, प्रेग्नेंट थे, दो बच्चे थे, सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसके घर के नीचे वो सुसु पॉटी कर देती थी, और उसको इतना मारा कि जान से मार डाला। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आज भी होते हैं, अभी भी होते हैं, हर सेकंड हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर वो मानवता नहीं है। समटाइम मुझे बहुत रौद्र आता है अंदर से, क्योंकि मैं अंदर से फील होता है कि क्या कर जाऊँ, बट फिर वापस से काम डाउन करती हूँ कि नहीं, सबसे बेस्ट है कि हम जो हमारे सामने उसको रोक सकते हैं, बट जो पीछे से हो रहा है उसको कैसे रोकें, उसके लिए प्रे है, उसकी प्रेयर ही है। क्योंकि आज के टाइम में आप कहाँ कहाँ तक भागोगे, अब यहाँ पे बैठे हो और पीछे से कोई कुछ कर जाए, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट आपके सामने हो रहा है तो यू हैव टू टेक द स्टैंड। बोलना तो बहुत ज़रूरी है, प्यार से ही बोलें, अगर आपके अंदर विश्वास है तो ज़रूर समझेंगे। तो ये थी हमारे साथ मीरा मंडोला जी, जो कि बहुत ही मशहूर और एक बेहतरीन नृत्यांगना है और समाज सेविका भी हैं। इन्होंने संदेश दिया कि भैया अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, जीव जंतु से प्रेम करेंगे, तो प्रकृति हमारे साथ प्रेम करेगी और हमारा जीवन जो सरल होगा। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें इतना समय दिया। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राज कुलकर्ण देव गुप्ता के साथ एक बार फिर आपसे मिलूंगा नए शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।